गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में चित्रकला विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भारत के वीरों को नमन विषय पर छवि चित्रों की 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं को बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीरों को हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न किए बगैर खुशी खुशी अपना जीवन देश के नाम कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए, जिससे बच्चों को शहीदों के चरित्र के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे हमारे सभी युवा शहीदों के बलिदान को जान सके। उपप्राचार्य प्रोफेसर अंजना दास ने छात्राओं को वीरों के बलिदानों के बारे में अवगत कराया। छवि चित्रों की कार्यशाला का आयोजन चित्रकला प्रभारी प्रोफेसर पुनीता शर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता कश्यप के निर्देशन में हुआ। लगभग 30 छात्राओं ने सहर्ष प्रतिभाग किया। छात्राओं ने तुलिका और रंगों के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के छवि चित्र को उकेरा। इस अवसर पर चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर कविता भटनागर, प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, प्रोफेसर अंशु सरीन एवं महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यशाला में श्रेष्ठ कलाकृति के लिए प्रथम महक इस्लाम बीए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय ऋतिका आशमी बीए तृतीय सेमेस्टर और तृतीय मुस्कान सैनी बीए तृतीय सेमेस्टर को चुना गया। सातवां पुरस्कार नेहा तुरेहा और हुनैजा को दिया गया। आज गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद में चित्रकला से संबंधित एक कार्यशाला 2 दिवसीय आयोजित की गई, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो वीर थे उनके छायाचित्र के रूप में एक प्रतियोगिता बच्चों को रखी गई है, जिसमें ये उन महापुरुषों की चित्रों को बनाएंगे और जो बच्चा सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर चित्र बनाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और ये आयोजन जो है वो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका एक बड़ा उद्देश्य भी है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अपने देश के उन वीरों को नमन कर सकें और जान सकें उनके बारे में कि आज जो हम सिर उठाकर जो बात करते हैं या सिर उठाकर शान से अपने देश की गौरव की बात करते हैं और अपने देश को विश्व गुरु के रूप में एक सपने के रूप में देख रहे हैं, तो उन सब के पीछे इन महापुरुषों के बलिदान त्याग हैं। और जब इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं तो बच्चे इनके बारे में जानते भी हैं और इसके साथ साथ उनके अंदर की जो रचनात्मकता है वो भी निकल कर आती है, प्रतिभाएँ निकल कर आती हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया।